हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो जिन भी बच्चों ने इग्नू में जनवरी सेशन में अपना अभी एडमिशन लिया था रिसेंटली, तो उनके ना असाइनमेंट्स आ चुके हैं। सो चलो देख लेते हैं कि कैसे फाइनल हो गया, क्या असाइनमेंट्स आ गए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको मेनली बस इग्नू सर्च करना है। इग्नू सर्च करते ही आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, www.ignu.ac.in। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस टाइप का पेज ओपन अप हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको ये डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड्स पे आके। फिर इधर से नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको ये असाइनमेंट्स दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। असाइनमेंट्स पे जैसे क्लिक करोगे तो ये इस टाइप का पेज ओपन अप हो जाएगा। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बैचलर डिग्री, पीजी कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो, लेकिन अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है जनवरी 2023 में, तो आपको देखना है। तो मास्टर डिग्रीज के लिए देख लेते हैं। तो हम एमए के लिए गए, यहाँ पे हम पॉल साइंस पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर पे, अगर आपको फर्स्ट ईयर का देखना है तो फर्स्ट ईयर का जो भी मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम चाहिए, वो आपके ऊपर है। सेकंड ईयर में भी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी ईयर का आपको मीडियम चाहिए वो। तो यहाँ पे 2022 और 23 के असाइनमेंट्स आ चुके हैं। हमें फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना है। देन आपके पास ना इस टाइप से ये लोड अप होगा आपका असाइनमेंट्स के लिए पेपर। तो आपको इसे यहाँ पे से जाके डाउनलोड कर लेना है। स्टूडेंट्स, डाउनलोड करने के बाद ना आपके जब प्रॉपर ओपन अप करोगे, जब इसको स्क्रॉल डाउन करते ओपन करने के बाद, तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज देखना, पे आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ना सेशन दिया है 4 जुलाई 2022 सेशन, यानी कि जो जुलाई में बच्चों ने दिया था उनकी लास्ट डेट है सबमिशन की 31 मार्च 2023 की। और जिन बच्चों ने जनवरी सेशन में दिया, यानी कि हम लोगों ने जिन्होंने जनवरी सेशन में दिया है, उनकी लास्ट डेट है सबमिशन की 30 सितंबर। तो मैं तो यही कहूंगी कि सितंबर से पहले ना जितना जल्दी तुम लोग अपने असाइनमेंट सबमिट करते हो, उतना जल्दी हमें मतलब स्टेटस पता चल जाता है कि ठीक है तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट हो गया। एंड असाइनमेंट के बेस पर जो तुम्हारा ग्रेड कार्ड बनना होता है वो तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर जितना लेट करोगे फिर इग्नू में प्रॉब्लम रहती है कि तो लास्ट तक भी तुम्हारे असाइनमेंट सबमिटेड का नोट स्टेटस फाउंड आ रहा है या प्रॉपर सबमिट नहीं होते हैं, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते बल्कि हम सबमिट कर देते हैं। तो ट्राई करना कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबमिट कर दो। अभी अप्रैल चल रहा है, तो सितंबर से पहले ना तुम जून जुलाई तक सबमिट करने का ट्राई करना, ये बेस्ट रहेगा अगर हम जून जुलाई तक सबमिट कर देते हैं। और हमें अपने स्टडी सेंटर जो भी हमें अलॉट किए गए हैं वहाँ पे जाके कोऑर्डिनेटर को सबमिट करना है। यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, ऑल असाइनमेंट्स इंक्लूडिंग दीज हैव टू बी सबमिटेड टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ योर स्टडी सेंटर। तो अपना रीजनल सेंटर देख लेना कौन सा है तुम्हारा, जब तुम अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करोगे उसमें लिखा होगा, तो वहाँ पे जाके आपको ये देना है। एंड यहाँ पे ये बोला कि रिमेंबर टू ऑब्टेन अ रिसिप्ट फ्रॉम द स्टडी सेंटर। एंड जब आप स्टडी सेंटर पे अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर देते हो तो आपको एक रिसिप्ट भी देंगे, एंड आपको उस रिसिप्ट को अपने पास रखना है ऑलवेज। और एक जेरोक्स कॉपी भी रखना अपने असाइनमेंट्स की जो भी आप सबमिट करके आओगे, ताकि अगर इन एनी केस रीजनल सेंटर वाले खो देते हैं, बोल देते हैं कि आपको नहीं दिया है, तो आपके पास एक कॉपी भी रहे, साथ में आपके पास स्लिप भी रहे, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अगर किसी केस में आपको वापस दे देते हैं असाइनमेंट्स कि आप एक बार वापस जाओ एंड इनको ठीक करके आओ, तो वो आपको देखना पड़ेगा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपको उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स बनाने हैं। एंड साथ ही एक और चीज है कि ना असाइनमेंट का एक फ्रंट पेज रहेगा, वो मैं दे दूंगी, उसको एज इट इज फिल अप कर लेना। मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ दे दूंगी, उसको जाके डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा वो पीडीएफ, उसको प्रिंट आउट करा लेना। एंड साथ ही में आपको फर्स्ट पेज पे अपना आईडी कार्ड लगाना है, सेकंड पेज पे मैं जो मैं अभी आपको पेज दूंगी वो आपका इंट्रो का होएगा कि इसमें मतलब कौन सा सब आपका नेम रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा सेकंड पेज पे, वो जो मैं पीडीएफ अभी दूंगी वो सेकंड पेज रहेगा आपका। फिर आपका थर्डली जो ये अभी क्वेश्चन पेपर्स है नीचे, उसको डाउनलोड अप करोगे, उसको लगाओगे। अगर आप चाहते हो असाइनमेंट में क्वेश्चंस लिखना तो आपकी मर्जी है, वरना डायरेक्ट आंसर वन डालो एंड अपना आंसर लिख सकते हो। अब देखो, जैसे कि हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे ये आपके कोड्स लिखे आ जाएंगे। ये रहा जैसे कि MPS 001, ये पॉलिटिकल साइंस का कोड है, तो ये आपका 100 मार्क्स का असाइनमेंट है। एंड इसमें क्लियरली बोला है कि कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं एंड 2 सेक्शंस हैं, इन दोनों सेक्शंस में से एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चंस तो करने ही है, मैंडेट रही है। नहीं कि सेक्शन 1 से 5 के 5 क्वेश्चंस कर दिए, ऐसे करोगे तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये चीज नहीं करनी है। और हर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा, तो 500 वर्ड्स अगर ये बोल रहे तो आपको एटलीस्ट 3.5 पेज तो भरना ही भरना है, एंड मैक्स टू मैक्स आप 5 पेजेस भर देना। इससे ज्यादा मत लिखना किसी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आप फालतू में लिख देते हो, क्योंकि आप मार्केट से खरीदोगे एंड उसमें फालतू की चीजें भरमार लिखी होती है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 3.5 पेज से 5 पेज तक मैक्सिमम लिखना है किसी भी क्वेश्चन का आंसर, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। आपके ये 4 असाइनमेंट है पॉलिटिकल साइंस में, तो ये सभी असाइनमेंट्स यहाँ पे एक बार में ही गिवन है, तो इन सभी को आपको प्रिंट आउट करा लेना है एंड देन अपने क्वेश्चंस को कर लेना। हर असाइनमेंट से आपको 5-5 क्वेश्चंस को करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो अप कर लो, एंड साथ में मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। सो बाय बाय, एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दो।